हाँ तो मेरे मित्रों, तो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में भी ये स्मार्ट लॉक का सेटिंग तो है, लेकिन आपने अभी तक इसको ऑन नहीं किया क्योंकि अभी तक आपको ये नहीं पता कि इसके क्या फ़ायदे हैं और हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के बाद आप भी इसको ऑन करोगे क्योंकि अभी आपको पता चलने वाला है कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, और अगर पहले से पता था तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपके पास कोई भी कंपनी का एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है, बस एंड्रॉयड होना चाहिए, आपके फ़ोन में ये सेटिंग आसानी से मिल जाएगा। तो आपने फ़ोन के सेटिंग में आ जाना है पहले। तो सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो स्मार्ट लॉक का सेटिंग मिल गया हमें। और अगर आपके पास दूसरा किसी कंपनी का फ़ोन है, ये मैं सैमसंग के फ़ोन में करके दिखा रहा हूँ, तो अगर आपके पास दूसरा है तो आपको डायरेक्ट सर्च कर लेना है, वहाँ आपको मिल जाएगा। आपको बस स्मार्ट लॉक लिख लेना है। स्मार्ट लॉक लिख के आप जब सर्च कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ पे स्मार्ट लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसको आपको क्लिक कर लेना है। तो अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेगा। सबसे फर्स्ट में आपको ऑन बॉडी डिटेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप इसको ऑन करते हो, आप देख सकते हो ये जब हम ऑन कर देंगे तो जब तक हमारा मतलब कि फ़ोन हमारे हाथ में रहेगा या हमारे साथ मूव होता रहेगा तब तक ये हमारा फ़ोन लॉक नहीं होगा। अगर हमने अपना फ़ोन एक बार अनलॉक कर लिया और अपने हाथ में रख के हम कहीं भी जा रहे हैं तो वो 4 घंटे तक पूरा मतलब कि लॉक दोबारा से वो नहीं होगा, हम जब चाहे यूज कर सकते हैं बिना लॉक खोले उसको, ठीक है। तो ये फ़ायदा है हमारा पहला सेटिंग। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको ट्रस्टेड प्लेसेस का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। जब आप इस पे आओगे, यहाँ पे आप अगर इसको ऑन करोगे तो ये होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड ट्रस्टेड प्लेस का ऑप्शन आ रहा है। तो हम यहाँ पे कोई भी प्लेस को ऐड कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप अपना घर में हो और आप चाहते हो कि मेरे घर में मेरा फ़ोन लॉक नहीं हो अपने आप, जब भी मैं अपना फ़ोन यूज करूं बिना लॉक डाले हमारा फ़ोन अपने आप अनलॉक हो जाए, तो यहाँ पे आप अपना एरिया को सेलेक्ट कर सकते हो, अपने घर का जहाँ भी हो आप अपना घर का एरिया सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जब तक आपका फ़ोन आपके घर में रहेगा वो ऑटोमेटिक लॉक नहीं होगा, 4 घंटे तक अगर आप उसको यूज नहीं करते हो तो आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा। और 4 घंटे के बाद अगर फिर आप एक बार पासवर्ड डाल देते हो फिर वो 4 घंटे मतलब कि अनलॉक ही रहेगा, बस स्क्रीन लॉक हो जाएगा लेकिन फ़ोन लॉक नहीं होगा, आपको बार बार पासवर्ड डाल के खोलना नहीं पड़ेगा, ठीक। तो लास्ट वाला ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रस्टेड डिवाइस का है। अगर आप इसको कनेक्ट करते हो, कोई भी डिवाइस अगर आपके पास है ब्लूटूथ में जिसमें आप कनेक्ट करते हो, अगर हेडफोन है या होम थिएटर आपके घर में जो भी है, अगर आप उसको एक बार यहाँ पे कनेक्ट कर देते हो तो जब तक ये कनेक्ट रहेगा आपका फ़ोन उस ब्लूटूथ से, आपका फ़ोन अनलॉक ही रहेगा, आपका फ़ोन लॉक नहीं होगा। तो जब भी अगर आप गाने वगैरह सुनते हो अपने फ़ोन में मतलब कि ब्लूटूथ में, तो ये फीचर आपको बहुत काम आने वाला है। जब भी आप गाना चेंज करना चाहते हो तो आपका फ़ोन लॉक हो जाता है, लेकिन आप इसको ऑन करके बार बार वो लॉक जो डालते हो आप वो नहीं करना पड़ेगा। या होम थिएटर अगर आपके घर में तो उसको बजाते हो तो बार बार गाने चेंज करने के लिए जाओ फ़ोन का फिर से लॉक खोलो, तो ये प्रॉब्लम से आप बच सकते हो, तो बहुत ही काम आने वाला है। तो इसको आप ऑन कर लेना, ठीक है। बाकी दोनों का आप ये ऑन करो या ना करो, अगर आप ब्लूटूथ से गाने वगैरह सुनते हो तो आपको ये बहुत काम आने वाला है, तो इसको आप ऑन कर लो, ठीक है। तो ये था हमारा स्मार्ट लॉक का सेटिंग हमारे फ़ोन में। आप अभी तक इसको यूज नहीं कर रहे थे लेकिन अब आप यूज करोगे क्योंकि आपको अब पता चल गया कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम अपने दूसरे वीडियो में दूसरे सेटिंग और दूसरे जुगाड़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे यूनिक और सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। टाटा बाय बाय।